हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्ट्राइड योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 21st एंड 22nd अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस नाउ दही हांडी इज़ एन ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ स्टेट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया कि दही हांडी अपनी स्टेट का ऑफिशियल स्पोर्ट है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। सीएम एकनाथ शिंदे अनाउंसेस दैट दही हांडी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन महाराष्ट्र। तो सीएम एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया कि दही हांडी महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट के रूप में मान्यता दी जाएगी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र फाउंड हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस सिटी में आयोजित किया जाएगा? पुणे, लखनऊ, इंदौर, जम्मू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंदौर। द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन इंदौर इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th जनवरी टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9th जनवरी को इंडिया की डेवलपमेंट में प्रवासी भारतीय कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए इसे मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। तो इंडियन एयरफोर्स किस कंट्री में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 पार्टिसिपेट करने जा रही है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंडियन एयरफोर्स रीचेस ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। तो इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 में पार्टिसिपेट करने पहुंची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह इन अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में शहीद भगत सिंह के नाम पर किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह इन अगस्त 2022। तो चंडीगढ़ में अगस्त 2022 में शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स इन अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में फार्मर को सीड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूज़ किस स्टेट ने किया है? गुजरात, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स इन अगस्त 2022। तो झारखंड अगस्त 2022 में फार्मर को सीड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूज़ करने वाली स्टेट बन गई है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट झारखंड। तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड फाउंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन एंड गवर्नर है रमेश वाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 60
65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कनाडा। कनाडा इज होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 2022। तो कनाडा अगस्त 2022 में 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल बी अटेंडिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमेन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडिया की फर्स्ट वूमेन रेसलर कौन बन गई है? अंतिम पंगाल, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पोनिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अंतिम पंगाल। 17 ईयर ओल्ड हरियाणा रेसलर अंतिम पंगाल हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमेन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन सोफिया बुल्गेरिया। तो 17 ईयर ओल्ड हरियाणा रेसलर अंतिम पंगाल बुल्गारिया के अंदर सोफिया में अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन रेसलर बन गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस इज ए कैंपेन एम्ड एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन आवर लाइफ्स। तो इंडियन ऊर्जा दिवस हमारे जीवन में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बेनिफिट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के उद्देश्य से एक कैंपेन है। आज का लेक्चर हमारा बस इतने तक ही था। मिलता है विशाल बाप से नेक्स्ट लेक्चर में। कीप डूइंग हार्ड वर्क फॉर योर ड्रीम्स।